पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये राहत इमरान को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में मिली है। दरअसल कोर्ट ने इमरान की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद इमरान समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के पक्ष में मंगलवार फैसला सुनाया और रिहाई के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चले कि इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने सस्ते दामों में सरकारी गिफ्ट को खरीदा था और उसके बाद उन्हीं गिफ्ट का महंगे दामों में बेच दिया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जजों के बेंच ने कहा था कि फैसला मंगलवार 11 बजे सुनाया जाएगा। गौर हो कि क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई गई थी। इस मामले में इमरान खान को 5 अगस्त को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। कई लोगों का मानना था कि 70 वर्षीय इमरान खान को दोषी ठहराने वाला फैसले में हाईकोर्ट के खामियों को सामने लाए जाने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसला आ सकता है। इस फैसले से पहले जियो न्यूज की एक खबर के अनुसार बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज एक अन्य प्राथमिकी रद्द कर दी है। एक भाषण के दौरान सरकारी संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर ये मामला दर्ज किया गया था। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति गुल हसन तरीन की सदस्यता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के इकबाल शाह की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के ओर से इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी खारिज कर दिया। डॉन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक निर्वाचन आयोग के वकील अमजद परवेज ने हाईकोर्ट से मामले में सरकार को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कानून ने इसे आवश्यक बना दिया है। परवेज ने जब अपनी दलील समाप्त की तब इमरान खान के वकील खोसा ने कहा कि उन्हें सरकार को नोटिस जारी करने की आयोग की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष खान को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 2018 से 2022 के उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। उनके आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए उन्हें 5 वर्ष के लिए राजनीति में हिस्सा लेने से भी प्रतिबंधित किया गया था।